तो हेलो गाइस, सब सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं नेक्सोमोन एक्सिक्स। तो जैसा तुम लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, मतलब यहाँ ड्रैगन का हमला हुआ था और लेडिया का गमला फूट गया था, मतलब उसने गमला खरीदा था, आई डोंट नो, बट ठीक है। तो उसके बाद फिर एक खतरनाक जेंडर नाम का ग्रैंड मास्टर आया था, जो हमें दिखाने वाला है कि असली ग्रैंड मास्टर कैसा होता है और कैसे हम ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं, आई थिंक सो। तो उसने कहा था फिर हमारे साथ आओ, लेडिया चोमू है, वो चोमू तो सचमुच ही वो बेवकूफ़ है, तो क्या ही बोलना। तो यार आप चलते हैं जेंडर के साथ और देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। रूल नंबर वन, लेडिया ड्रैगन ऑलवेज फॉल द सेंटर ऑफ टैरेंट। ओके, तो पहला रूल है कि मतलब लेडिया का जो टैरेंट है ड्रैगन से, वो टैरेंट को मतलब सूंघ के ही पता लगा लेते हैं। एक्सपेक्ट इरोसेंट ही टेम्ड स्पेशल दैट फ्री। ओके, तो बोलती है कि मतलब इरस को छोड़ के, मतलब इरस को ऐसा उसने ट्रेन किया है कि मतलब या उसको नहीं मतलब कह सकते काइंड ऑफ उसके दोस्त वोस्त बन ड्रैगन्स हैं, मतलब ईरोस के। यू विल क्या प्रिपेयर लोर दैट रिमेबल टेम टेरेंट सेंट एंड देन आई विल स्मैक हिम इन द फेस, साउंड गुड। ओके, तो बोलता है कि हम उस क्या बोलते हैं खुशबू का पीछा करेंगे और फिर मतलब उस टेरेंट को ढूंढेंगे, उसका खोपड़िया तोड़ेंगे, मतलब बढ़िया। हाँ ऑफकोर्स बढ़िया भाई। अलूअर वाट वी नीड। ओके, मतलब लोअर मतलब हमें मतलब ऑफकोर्स उसे बुलाना पड़ेगा, बट हम क्या कर सकते हैं उसको लोअर करने के लिए, मतलब कैसे उसको बुला सकते हैं। गो बैक टू विलेज किड। ओके, तो हमें पहले विलेज में जाना है। द पीपल देयर वर्क ऑफ द ड्रैगन हंटर, समवन विल बी एबल टू मेक यू क्या फिटिंग लोअर। ओके, तो मतलब वहाँ कोई ड्रैगन हंटर बंदे हैं जो काम करते हैं, तो या वो हमारे किसी काम आ सकते हैं, मतलब ड्रैगन लोअर करने में। आई थिंक आई नो अ गाय, ही हैंग अराउंड द मार्केट प्लेस ऑल डे। ओके, तो बोलता है कि मैं जानता हूँ एक बंदे को जो हमेशा मार्केट प्लेस में भटकता रहता है। ओके, गुड हरी अप एंड एमिली गोना बी नर्ट अबाउट द सिचुएशन पुअर लास। ओके, तो बोलता है काफ़ी बढ़िया, चलो ठीक है, तो जल्दी करो नहीं तो एमिली फिर गुस्सा हो जाएगी, मतलब ऑफकोर्स एमिली भाई आई डोंट नो, एमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, मतलब वो ये ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर को एमिली भेजी है, तो आई थिंक सो एमिली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदी है और वो आई थिंक सो गिल्ड मास्टर की ओनर भी है, मेरे को जहाँ तक लगता है, आई डोंट नो बट मेरे को लग रहा है। तो मार्केट प्लेस में वो बंदा हमें मिलेगा, तो मार्केट प्लेस का रास्ता तो हमें पता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लौकर पटकर चलते हैं, उस बंदे को ढूंढते हैं और नहीं आएगा तो उसका खोपड़िया तोड़ देंगे और क्या। तो ये रहा मार्केट प्लेस, बड़ा जल्दी पहुंच गया। कहाँ था वैसे, यही बंदा है क्या? हाँ ये आई थिंक सो है, हाँ यही है। क्या आर दस फॉर्जिनर ट्राइंग टू कैच ड्रैगन। ओके, बोलता है वो फॉर्जिनर टाइम आ गया ड्रैगन पकड़ने का। वी गॉट अ लोअर ऑन ऑफ द लीडियाज ड्रैगन। ओके, तो हम लीडिया के ड्रैगन्स को मतलब लोअर करने वाले हैं। वॉट, मजाक कर रहे हो? ओ भाई साहब, उसके भी फटके हाथ में आ गए। और दस आर अ ग्रेटेस्ट डार्केस्ट लियो। ओके, तो अच्छा, तो यही डार्केस्ट लियो। वी नीड ओनली अ लोअर द स्मेल्स लाइक टैरेंट। ओके, तो हमें बस उसको ऐसा करना, मतलब टैरेंट का खुशबू बस करना है कि वो ड्रैगन्स हमारे पीछे आएँ। What does the टैरेंट smells like, Leo? Okay, तो आखिर टैरेंट का खुशबू कैसा आता है? वो थोड़ा अजीब है, मतलब ऑफ कोर्स भाई टैरेंट का खुशबू कभी सूंघ के देखा ही नहीं है। बहुत अजीब सवाल है भाई। डर्ट ना, ईरस सेंट डज नॉट अट्रैक्ट ड्रैगन फॉर अ समवेयर रीजन। ओके, बोलता है कि हाँ ईरस का सेंट तो ड्रैगन्स को मतलब नहीं अपीयर करता है, ऑफकोर्स क्योंकि ईरस को ऐसा ट्रेन किया गया है एमिली द्वारा, एमिली बोल रहा हूँ क्या, लीडिया द्वारा, तो उसकी वजह से। यू नो देर आर क्या साइंटिस्ट हु वर्क इन अ लैब, ही वॉज अ चेस्ड बाई द डार्केस्ट एलिस वंस। ओके, तो मतलब इधर डार्केस्ट एलिस में कोई साइंटिस्ट काम करता है जो आई थिंक सो ड्रैगन्स कभी उसके पीछे पड़े होंगे, मतलब सो वट, हाँ इसका मतलब क्या। इन ऑल माई लाइफ द पुअर फॉल इन ओनली पर्सन आई नो हु एक्चुअली इज अ चेस्ड बाय द ड्रैगन। ओके, बोलता है कि काफ़ी हंसी की बात है भाई, बट मेरी पूरी ज़िंदगी में बस एक ही बंदे को जिस मैंने देखा जिसके पीछे ड्रैगन पड़ा है। सो इट्स एनी वन नो हाउ टू अट्रैक्ट देम दैट ड्यूड। ओके, तो आई थिंक सो वो जानता होगा कि उसे कैसे अट्रैक्ट करते हैं, शायद से वो जाने। तो कौन हो सकता भाई ऐसा बंदा जिसके पीछे मतलब ड्रैगन्स पड़ गए। इज़ लिविंग इन द क्या आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज, ही मस्ट बी नाइस। ओके, तो वो आउटकस्ट विलेज में मिलेगा आई थिंक सो, जहाँ अबेंडेंट विलेज था जो, देर आर बंच ऑफ अ हाउस डाउन देयर, लेट्स गो गेट गोइंग। ओके, तो बोलता है चलो वहाँ काफ़ी ज़्यादा घर हैं, आई थिंक सो वो कहीं भी हो सकता है, लेट्स गो भाई फिर चलते हैं फटाफट और उससे भी मिलते हैं ज़रा। वैसे तो अपन ने अबेंडेंट विलेज एक्सप्लोर कर ही लिया है, तो अपने को वहाँ ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत तो है नहीं ऑफकोर्स। तो इधर है क्या,
मेरे को लग रहा है कि ये तो नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं है। आई एम सॉरी ब्रो तेरा टाइम बर्बाद करने के लिए, मतलब मेरे को लगा कि ये होगा इसके लिए मैंने ऐसा किया, बट ये नहीं है। तो फिर आई थिंक सो अबेंडेंट विलेज में ही होगा, जिसके पीछे ड्रैगन्स हाथ धोकर पड़े रहते हैं। भाई इसको तो मैंने पहले ही हराया था ना। हेलो भाई कौन आएगा मेरे साथ? ये फोटोग्राफर है क्या? हाउ फैंटास्टिक। अरे हाँ यार बात कर चुका हूँ तेरे से बस। तो इससे नीचे जा सकते हैं? वादा है कि ब्रो कहाँ जाना है मेरे को? तो किसके पीछे ड्रैगन्स पड़ जाते हैं हाथ धोकर? भाई कहाँ है नहा धोकर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कहाँ है वो बंदा? मेरे को ढूंढने में टाइम लग सकता है, डोंट नो, बट ठीक है अपन ढूंढेंगे। इधर तो कोई नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगा था अबेंडेंट विलेज में मिलेगा बट नहीं मिला। ये तो बुरी बात है यार, सुपर डुपर बुरी बात है। तो आई थिंक सो वो पीछे विलेज में मिल सकता है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। मतलब ऑफकोर्स जब यहाँ नहीं मिला तो पीछे विलेज में ही होगा ना। तो कोई एक लैब रिसर्चर, मतलब लैब रिसर्चर होगा। हेलो भाई गुब्बारा नहीं चाहिए भाई, मेरे पास काफ़ी गुब्बारे हैं, वैसे भी फट जाते हैं गुब्बारे, तो लेके क्या ही करूँगा। तो ये नहीं, आई थिंक इसके नीचे मैंने ये चेकआउट किया है। हाँ चेकआउट किया है बट यहाँ कोई चीज़ नहीं है। तो आई थिंक सो पीछे विलेज में ही हो सकता है जहाँ मेरे को जहाँ तक लग रहा है। कोई लेबोरेटरी तो यहाँ कहीं आसपास नहीं है यार, ये तो नहीं है। इसी के पीछे तो ड्रैगन्स नहीं पड़ते थे? नहीं शकल से तो लगता है इसके पीछे कोई भी पड़ जाएगा, बट ड्रैगन की बात ही छोड़ो। तो फिर कहाँ जाना है यार, मतलब या कहाँ जाना है? इधर मिलेगा क्या? नहीं इधर भी नहीं है कोई। क्या मेरे को उस गार्ड से बात करना था क्या? आई डोंट नो, मतलब किसी ना किसी घर में होगा, मतलब उसने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा घर हैं, मतलब उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो आपने लगभग सारे घर तो चेकआउट कर ही लिए हैं ना, कि नहीं किए हैं? रुको एक बार फिर से मैं रीचेक कर लेता हूँ यार, प्रॉब्लम होगा नहीं तो अपने को बाद में। अबेंडेंड विलेज में तो एक भी घर के अंदर एंट्री मिली नहीं, अपने को पता ही है तुम लोग को। तो इस घर के अंदर भी एंट्री तो है ही नहीं, तो इसको भी छोड़ ही दो। और फिर उसके बाद कौन सा घर बसता है जिसमें अपन ने गए हैं? आई थिंक सो ये घर भी चेकआउट किए हैं ना, ये इस एरिया में सिर्फ यही एक घर ही है जिसमें कोई रहे या ना रहे क्या पता, इसमें चेकआउट किया हूँ या। तो ये भी चेक कर चुके हैं, तो सारे घर तो अपन ने चेक ही किए हैं लगभग लाइन से। बट एक बार मैं फिर भी रीचेक इसलिए कर रहा था कि कोई छूट ना जाए, नहीं तो फिर छूट जाएगा तो अपने को काफ़ी ज़्यादा लंबा इधर उधर भटकना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो क्यों भटकना जब एक बार में आप चेक कर सकते हैं तो। सो इधर भी कुछ नहीं है, नीचे कोई घर तो था नहीं आई थिंक सो। तो इधर इस घर में आई थिंक सो मैंने चेक किया ना, हाँ इस घर में भी चेक किया, इधर भी कोई नहीं है, मतलब जो हमें चाहिए वो तो नहीं है। ओके सो आई थिंक सो मेरे को लगता है कि अपने को विलेज में ही मिलेगा, जो सबसे पहले आप जब आए थे डार्क साइलेस मेन एरिया में, डार्क साइलेस के। और ये घर में अच्छा ये प्रोफेसर है, यही बेवकूफ़ है, इसके पीछे ड्रैगन्स पड़ते हैं। सिल्वर गिल्ड टेमर में भी आई हेल्प यू। ओके बोलता तुम, अच्छा तुम सिल्वर टेमर हो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? कैन यू टेल अस हाउ टू लूअर ऑफ वन ऑफ लीडियास ड्रैगन? ओके तो तुम हमें बता सकते हो कि लीडिया के ड्रैगन को आखिर अपने पीछे कैसे लगाते हैं? दैट्स इनसेन। ओके होता है काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाला बात है भाई, ऑफकोर्स भाई कौन ड्रैगन से भिड़ना चाहेगा, बट आई गेस ही आई शुड कोऑपरेट अ बिट। ओके बोलता ठीक है क्यों नहीं। वन ऑफ माई जॉब इन्वॉल्व क्या है, इन्वॉल्व डेवलपिंग क्या सब्सटेंट क्या दैट रिसेंबल टैलेंट सेंट कैन टेल यू वॉट आर यू थाट। ओके तो बोलता है कि मेरा काम है मतलब वो सब बनाने का, मतलब जो भी कि तुम कैसे टैलेंट का सेंटमेंट पता लगा सकते हो। आई वॉन्स गॉड अ बिट ऑन माई कोट एंड वॉज अ चेस बाई ड्रैगन ऑल डे। ओके तो बोलता है कि मेरे कोट पे भी ये वो लग गया था, इसकी वजह से मेरे मतलब ड्रैगन्स मेरे पीछे पड़े थे पूरे दिन। आई शिल हैव अ सम ऑफ लुक अराउंड यू कैन टेक यू रोफ यू वॉन्ट। ओके बोलता है मेरे पास थोड़े और भी पड़े हैं तो तुम आसपास देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ऑरेंजेस भाई नींबू पानी से कुछ होगा क्या अपना? हेलो सर बस कहाँ मिलेगा वो तो बता दिए होते। वादा है कि भाई साहब सब कोई ना कोई अजीब सी बात करके छोड़ देते हैं। दिस इज सब कॉपी ड्राइंग आई वॉन्ट नॉट टेल यू द वॉट इज द गेस्ट एनी मोर आई टेक यू यू वॉन्ट गो एड एंड डार्केस्ट
क्या विला मस्ट बी समवेयर यू अराउंड लुकिंग अराउंड द लिविंग अलोन। डार्केस्ट विला, डार्केस्ट वॉल, डार्केस्ट वॉल वही तो नहीं जहाँ वो अजीब सा मतलब मूर्ति था। आई डोंट नो, मैंने नाम तक नहीं पढ़ा है कि कौन सा क्या लगता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि डार्केस्ट वॉल वही तो नहीं है। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैं डार्केस्ट वॉल वही है, तो चलते हैं रिटर्न चलते हैं, क्योंकि आखिर ड्रैगन बड़े ख़तरनाक होते हैं और ऐसे नॉर्मल जगह पर तो उन लोग नहीं आते, क्योंकि इंसानों को उन लोग ख़तरा नहीं पहुँचाते। जहाँ तक लीडिया ने उन लोग को ऐसा टेम किया है, मतलब ट्रेन किया है, टेम किया है, जो भी कह लो, तो आई थिंक सो इधर मिल सकता है अपने को। डार्केस्ट विला यही तो है ना आई थिंक सो, या कहीं बोर्ड बीड भी नहीं लगा रहता जिससे पता चले। और मैप तो है ही नहीं इस गेम में, मतलब ये तो बहुत बेकार है। मैप दिए होते तो थोड़ा आसानी होता पता लगाने में कि आखिर क्या कौन सा चीज़ कहाँ है, क्या कैसे है, मतलब या ऑफकोर्स। तो इधर तो कुछ नहीं है। डार्केस्ट वॉल कहाँ मिलेगा अपने को भाई साहब? तो भैया लिटरली अपने को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, बस अपन ऐसे भटक रहे हैं। तो आई थिंक सो और भी पीछे हो सकता है मेरे को जहाँ तक लग रहा है अब, या इस साइड भी चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा इधर से तो रास्ता ही ख़त्म है ना, ये चेकआउट किया था मैंने, आई थिंक सो चेकआउट किया है। तो डार्केस्ट वॉल कहाँ मिलेगा? हीलिंग कर लेते हैं भाई, नेक्सोमोन अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब प्रॉब्लम में है। ओके यही तो नहीं है डार्केस्ट विला जिसके अंदर कुछ नहीं मिला, वजह है कुछ नहीं मिला भाई, सचमुच नहीं मिला। काय को मैं डायलॉग मार देता हूँ, नहीं मारूँगा दोबारा डायलॉग, नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं मेरे को। कुछ तो मिल जाए इसमें, अच्छा इसमें भी नहीं है भाई। भाई ये का मिशन काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, मतलब डार्केस्ट वॉल कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, और वो कहाँ है यही तो नहीं पता। मेन बात तो ये है कि अपने को वो पता ही नहीं है कहाँ है वो डार्केस्ट वॉल का बच्चा, नहीं तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता ना। एक तो बोर्ड भी नहीं लगा रखे हैं कि डार्केस्ट वॉल ये है, उधर जाने से ये मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, तो शुरुआत में आप उन आ गए। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ब्रो, क्या करना है? डार्केस्ट वॉल कहाँ है? आई डोंट नो, लिटरली मुझे नहीं पता डार्केस्ट वॉल कहाँ है। इधर बोर्ड भी नहीं लगाए कि तुम लोग कहाँ पहुँच गए कहाँ नहीं पहुँच गए, और ये एक तो ऊपर लिख के भी नहीं आता कि तुम कहाँ हो क्या नहीं हो, कि जिससे इतना तो पता चले कि हाँ कि इधर है। चलो ठीक है, आई थिंक सो ऊपर ही होगा जहाँ तक मेरा रिसर्च कह रहा है, या तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आप इतना भटके हैं तो इसको भी भटक के ही जाते हैं ना, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए क्यों दोबारा भटक के आना, एक बार रीचेक करने में क्या जाता है। तो ये बैटल करने के मूड में है, और इसने तो हमें दिया था मतलब इसका नेक्सोमोन लेके आना है, बट अभी तक आप ने इसके लिए नेक्सोमोन नहीं पकड़ा, तो या सो ठीक है पकड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको ला के दे देंगे, शायद मैं ऑफलाइन उसको दे दूँ। मतलब यार जब तक रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैं उस सब मैं चीज़ में टाइम पास नहीं करने वाला, क्योंकि अभी आप उन बहुत ख़तरनाक मिशन पे हैं, और वो ख़तरनाक मिशन ये है कि हमें क्या डार्क वॉल ढूंढना है, डार्केस्ट वॉल जो भी अजीब सा नाम है उसका, और वो हमें मिल नहीं रहा है। आई डोंट नो कहाँ मिलेगा वो, प्रोफेसर बेवकूफ़ ने हमें इतना तो बता दिया कि जाके तुम लोग को उधर मिल जाएगा, बट ये नहीं बताया वो कहाँ है। तो इसलिए मेरे को प्रोफेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मतलब उसको उसका खोपड़िया तोड़ने का मन कर रहा है, बट क्या करें भाई, क्या ही कर सकते हैं। सो इधर से चलो भाई, अरे बता दो यार डार्केस्ट वॉल कहाँ है, कोई तो बता दो कृपया करके। इधर से इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं मड़े किधर है? अबेंडेंट विलेज में, अबेंडेंट विलेज में तो कुछ नहीं है, अबेंडेंट तो अबेंडेंट ही रहेगा इसके ऊपर। ओके आई थिंक सो इधर मिल सकता है, आई थिंक सो डार्केस्ट वॉल कहाँ है भाई साहब? तू क्यों कर रहा है झोल मेरे साथ? ये तो मैंने देखा ना, इधर तो सिर्फ मस्त पार्टी मना रहे हैं लोग, तुम लोग को छोड़ो पार्टी मनाने दो। अरे हड़िया यार, अबे बिल्ले ये बिल्ला मेरे पीछे काहे पड़ा है, अब जिंदगी के मज़े ले रहा ले, कोई मना नहीं किया है। इधर है क्या? नहीं इधर भी नहीं है भाई, उसने कहा क्या था मतलब,
डार्केस्ट वॉल भाई, डार्केस्ट वॉल में, बट डार्केस्ट वॉल है किसका नाम, यही तो मेरे को नहीं पता। इतना पता होता तो ढूंढने में क्या ही प्रॉब्लम होती, कुछ नहीं होता यार, फटाक से ढूंढ लेते। मार्केट प्लेस में बात करते हो तो नेक्सो ट्रैप वाला है। इधर कुछ नहीं है आई थिंक सो, क्या पता अपने को मिल गया हो और मैंने फोकस भी ना किया हो, पर मुझे जहाँ तक लगता है नहीं मिला है। डार्केस्ट वॉल मेरे भाई, कहाँ है तू यार, द हैक ब्रो, किधर है तू? रिटर्न आ गया मैं, इससे बात करते हैं। हेलो सर, वी यू डोंट हैव अ लूअर येट, गो हेड विलेज मार्केट एंड गेट सम बड़ी हेल्प यू मार्केट। ओके हरी अप। ओके भाई, मार्केट प्लेस में जाके हमें किससे बात करना है जो हमारी मदद करेगा? एक तो प्रोफेसर का ऐसा बेवकूफ़ वाली बात किया कि कुछ समझ नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो भैया लिटरली कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। डार्केस्ट वॉल है कहाँ, ऊपर है क्या, जहाँ मतलब उसके पीछे ड्रैगन पड़े थे? नहीं, ये भी नहीं है। नॉइस, वो नॉइस कर लो भाई, ये भी कर लो भाई, टाइम बर्बाद कर लो मेरा, तुम मेरे को डायरेक्ट बता नहीं रहे हो कहाँ है क्या नहीं है। मार्केट प्लेस में कौन मेरी मदद कर सकता है? सक्का सकल तो बेवकूफ़ों वाला है, कौन कर सकता है भाई, तू करेगा? अरे कम से फोन में गिनाटिया, अरे हाँ तू गिनाटिया से आया है, मैं नेक्स्ट ट्रैप के लिए जानता हूँ। ओके, द साइंटिस्ट ही लिविंग ऑन द हाउस, ठीक है। भाई मैंने साइंटिस्ट के बारे में देखा, वो हाउस के बारे में देखा, चलो ठीक है, फिर से जाना पड़ेगा उस साइंटिस्ट के पास यार। वो द हैक, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है, मतलब यार इस बार मैं उसका एकदम ध्यान से बात सुनूंगा, एकदम ध्यान से, बोले तो एक एक साल लगा के सुनूंगा, एक एक साल भाई साहब, तब तो गेम ही ख़त्म नहीं होगा और मैं बुढ़ा होकर मर जाऊँगा, क्या मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, ऑफ कोर्स लवकर पढ़कर पहुँच जाएंगे, और फिर उससे बात करते भाई कि तू मेरी ज़िंदगी काहे पर बात कर रहा भाई, सीधा सीधा दे देना भाई, मतलब भैया। ठीक है, पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डार्केस्ट वॉल है कहाँ, ये मेरे को नहीं समझ आया उसका, लिटरली उसकी बात नहीं समझ आई, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, वो कहना क्या चाहता है? आखिर इसको साइंटिस्ट कौन बना दिया, इसको भिखारी बना, क्या बोल रहा हूँ, मतलब बेवकूफ़ बना देना चाहिए था। आई वॉज एन ओल्ड स्टेटमेंट आई डेवलप, माई जॉब वॉज ट्राइंग टू कॉपी द सेंट ऑफ क्या पर्टिकुलर टैलेंट। ओके, तो इसका काम है मतलब कॉपी करना टैलेंट के, मतलब जो भी सेंट है, मतलब स्मेल वमेल। आई वुड नॉट टेल यू वॉट फॉर, बट आई गेस आई डोंट नीड इट एनी मोर, यू कैन टेक इट इफ़ यू वॉन्ट। ओके, बोलता है कि मैं बताना तो नहीं चाहता, बट यह लगता है मेरे को इसका काम नहीं है, तो तुम ये ले सकते हो। गो एड डार्केस्ट वॉल मस्ट बी समवेयर अराउंड हियर, लुक अराउंड एंड लीव मी अलोन। क्या, गो अहेड, जाओ तुम, डार्केस्ट वेल मस्ट बी सम वेयर इन हियर, लुक, डार्केस्ट वेल इसी में ही कहीं है, बस हमें ढूंढना है। वाह द हैक बॉय, ये तो काफी बेवकूफों वाला सवाल है। अच्छा ये रस्सी तो नहीं है, नहीं ये रस्सी नहीं है, अच्छा ये नहीं है, ये भी नहीं है, अच्छा इस पे आ रहा हूँ, नो देयर लर्ड विच एक समवेयर एल्स, ओके तो इधर नहीं है। भाई साहब कहाँ रखा यार ये बेवकूफ़ कहीं का, समवेयर, अच्छा इस पे ऑप्शन आ रहा था, लेट्स सी, ना नो वेल हियर आदर, ओके तो इधर भी नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, ओ नथिंग, समवेयर वुड पुट द क्या डम वेल मस्ट बी नियर बाय। ओके, बोलता है आसपास ही हो सकता है, तो कहाँ है भाई आसपास, अरे बता दो भाई, काहे मुझे से बेवकूफ़ बंदे को इतना दौड़ा रहे हो, मतलब या सिर्फ कंफ्यूज करने का काम कर रहे भाई, इन्हीं में से किसी में होगा। ऑप्शन बता दो भाई, ऑप्शन दे दो प्लीज़ भाई, ऑप्शन दे दो। ओके, इसमें तो नहीं, अच्छा इसी में है, द रिसिपिएंट डार्क इज वेल, फाइनली मिल गया भाई साहब, चलो ठीक है। ओ यू फाउंड इट, फैंटास्टिक, डोंट यू डेयर ओपन द थिंग इन माई हाउस। ओके, बोलता है बढ़िया बात है, तुम्हें मिल गया, वो के लिए मेरे घर के अंदर मत खोलना। क्या बात तो सही, मतलब बेचारा ड्रैगन से पिट चुका है, दिस इज परफेक्ट, लेट्स ब्रिंग द टू द जेंडर, ही नो वॉट टू डू विथ। ओके, तो अब हमें जेंडर के पास ले चलते हैं और देखते हैं जेंडर इसके साथ क्या करेगा, मतलब ऑफकोर्स क्या करेगा, ड्रैगन्स को पीटेगा, मतलब लोअर करने वाला है, मतलब बुलाने वाला है ड्रैगन्स को,
और देखते हैं डिजेंडर के पास आखिर कितनी ताकत है भाई साहब, इसको लेने में कितना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मतलब पहले मैं उसकी बात सुन लिया होता ढंग से तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाता। मतलब मैंने बीच में स्किप वाला ऑप्शन ऑन कर दिया यार, मैं क्यों स्किप कर देता हूँ। मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको मैं बैठ के पढ़ता हूँ। मतलब यार बेवकूफ़ी करता हूँ मैं हमेशा। अब तक मैं इतना राउंड मेरे को घूमना ही नहीं पड़ता, उधर भटकना ही नहीं पड़ता, कहीं मैं ढंग से पढ़ लिया होता तो। मतलब यार अब चलते हैं डायरेक्ट बेचारे उससे मिलते हैं और बोलते हैं भाई हमको मिल गया। मतलब ऑफकोर्स मिल गया यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया बट मिल गया। सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से लगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा भटक रहा था। मुझे लगा कि डार्केस्ट वेल बोल रहा है, तो ये डार्केस्ट वेल है कहाँ, आई डोंट नो। मतलब या मैंने बस इतना ही पढ़ा उसका, बाकी तो पढ़ा ही नहीं था कि वो घर के अंदर ही कहीं पढ़ा होगा। उसका नाम डार्केस्ट वेल था असल में। असबस्टेन बाय अ फॉर्मर साइंटिस्ट, एक्सीलेंट। ओके, तो आखिर तुम्हें मिल ही गया एक उस सबस्टेन, मतलब एक लोअर करने का तरीका उस साइंटिस्ट से। एक्सीलेंट, काफ़ी बढ़िया। जस्ट प्लूट डिवाइस वी नीड। ओके, तो हमें बस एक डिवाइस चाहिए। ओके भाई साहब, देर इज़ अ गुड स्पॉट टू नॉर्थ वेर वी कैन लोअर द बीस्ट एंड फाइट हिम वंस ऑफ फॉर ऑल। ओके, तो बोलता है कि नॉर्थ में एक जगह है जहाँ हम लोग उस ड्रैगन मतलब बीस्ट को बुला सकते हैं और उससे लड़ाई कर सकते हैं। आई बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, बोलता है मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद कर लिया, तो यहाँ इंतजार मत करो। और यहाँ सारे लोग पहले से तैयार है, बस मैं ही लेट आ रहा हूँ। भाई साहब कोको कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं करते। मतलब भाई दोस्त है मेरा, छोड़ दिया मेरे को, तो क्या ही बोलना। इससे पता चलती है दोस्ती कभी भी काम नहीं आती। मतलब यार देर यू आर। ओके, तो तुम इधर हो, क्या हुआ भाई, आ गया क्या वो ड्रैगन? अरे बस बुला लो भाई, इतना खतरनाक म्यूजिक बजाने की ज़रूरत नहीं है। ओ, ये तो वही है जो लीडिया के ऊपर अटैक किया था। लुक एट मी, क्या अर्सर ड्रैक, आई हैव कम टू टेम यू विथ माई बेयर हैंड। ओके, बोलता है मैं तुम्हें आया हूँ इधर पकड़ने के लिए तुम्हें अपने हाथों से। ओ दैट्स ल्योर, इट्स वर्क रियली वेल, ही थिंक इज आई एम टैलेंट। ओके, बोलता है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मतलब ये सोच रहा है कि मैं टैलेंट हूँ। डिड यू पुट यू थिंक ऑन योर सेल्फ? ओके, तो बोलता है कि तुमने वो चीज़ अपने ऊपर लगा लिया। ना कम हीट मेरे बल बीस्ट। ओके, तो बोलता है कि मेरे पास आओ अजीब से, मतलब खतरनाक जो भी अजीब से बीस्ट मॉन्स्टर, फिट मी विथ ऑल यू गॉड। ओके, बोलता है कि मुझे मारो जितना तुम्हारे पास दम है। पता है कि भाई ये बंदा इतना 2 फुट 4 इंच का बंदा एक ड्रैगन से लड़ेगा, वो भी इतना बड़े ड्रैगन से। वादा है कि भाई बचा कि नहीं बचा भाई जेंडर। गुड ग्रीसियस, व्हाट वाज दैट ऑल योर स्ट्रेंथ सैड क्रीचर। ओके, बोलता बस तुम्हारे पास इतना ही दम है, बहुत मतलब बुरा लगा तुम्हारे लिए। क्या मजाक चल रहा है भाई, उधर से मार के उसने उतना दूर बहा दिया और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पूरा गड्ढा हो गया। व्हाट्स मैटर, क्या हुआ? आर यू रियली अ ड्रैगन? हिट मी लाइक माइक्रोमोन। ओके भाई साहब, अपने गेम के लोग प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब इन लोग का एक और गेम है जिसका नाम माइक्रोमोन है। बोलता है कि तुम मेरे पर हमला करो जैसे तुम लोग माइक्रोमोन हो। डिड ही जस्ट पंच अ ड्रैगन? ओके, बोलता है कि उसने सिर्फ अभी जस्ट एक ड्रैगन को मुक्का मारा। वैसे अजीब बात है भाई, इतना ज़्यादा ताकत और कौन होता है। डोंट यू डेयर रन अवे फ्रॉम मी स्क्रब। ओके, बोलता है मेरे से भागने की कोशिश मत करना तुम बेवकूफ़। भाई साहब भाई लौंडा ताकतवर है भाई, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ताकत से भी ज़्यादा ताकतवर है भाई, इसलिए ग्रैंड मास्टर है। अब मेरे को समझ आया ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को डोले सोले बनाने पड़ेंगे। आई वुड नॉट अलाउ इट, नेवर। ओके, बोलता मैं ये नहीं होने दूंगा कभी नहीं। टेक दिस। ओ भाई मजाक कर रहे हो भाई, ये गेम नेक्सोमोन वाला है भाई, नेक्सोमोन इस्तेमाल करो यार, उससे लड़ने के लिए काहे हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, तो हाथा पाई पे मत आओ भाई, बुरी बात होती है। व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, बोलता है बहुत बुरी बात है, मतलब टाइम बर्बाद करने का है। एमिली शुड बी हैव अ सेंट क्या एवरोड इनसेन ऑफ मी। ओके, बोलता है कि एमिली को एवरोड को भेजना चाहिए था ना कि मेरे को। मेंटल टास्क लाइक दिस शट हिम रियली वेल। ओके, बोलता है कि ये मेरे लिए एकदम नॉर्मल काम है, चलो ठीक है इसे ख़त्म करते हैं। शट अप ऑलरेडी, चुप रहो तुम। आई एम नॉट अ टैलेंट, सी यू लॉस्ट अ ह्यूमन, नेवर फॉरगेट दैट। ओके, बोलता है कि मैं टैलेंट नहीं हूँ, तुम एक इंसान से हार गए, कभी भूलना मत। ओ भाई साहब क्या बोलना। हे मैक्सवेल किंग, फील फ्री फाइट दिस ड्रैगन, आई विल सर्व एज अ गुड प्रैक्टिस। ओके, बोलता है कि तुम जाके इस ड्रैगन से लड़ सकते हो, मैं तुम्हें ये प्रैक्टिस की तरह मानूंगा। अरे मजाक कर रहे हो लौंडे, डोंट वरी बच्चे, मतलब डोंट वरी चाइल्ड,
दिस वीक इज नॉट बी चैलेंजिंग फॉर यू। ओके, तो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ओके भाई ठीक है, कह रहा है भाई ग्रैंड मास्टर तो सुन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, कोई प्रॉब्लम। डैम कूल बॉय डीएम, मेरे को ये चाहिए गेम डीएम भाई साहब। ओपी डोपी दिख रहा है भाई लोंडा, ओपी डोपी इतना काफ़ी, इसका काफ़ी बढ़िया डिजाइन मेरे को पसंद आया। ओके वुल्फी आ जा ब्रो, लेट्स गो विथ न्यू अटैक। क्या नाम था इसका, ये नहीं सिखा था ना अपना क्या बोलते हैं वो सिखा था रॉक ड्रेक। ओके तो इसके पास पल फ्यूरी है जो काफ़ी बढ़िया इसको डैमेज दे सकता है, प्लस स्टन भी कर सकता है। ओके डैमेज तो दिया बट स्टन नहीं हुआ भाई, उसने इसको क्या ही डैमेज दिया मेरे को पता ही नहीं, मतलब ये किस एंगल से वीक लग रहा है भाई, ये तो मेरे को सिर्फ भाई रह आ रहा है, एक एक हिट में फोड़ दे रहा है। हाँ मजाक कर रहे हो लौंडे, मतलब या रॉक नाइट बर्स्ट लेट्स गो, काफ़ी बढ़िया डैमेज, इसको बोलते हैं असली पावर। एक और रॉक नाइट बर्स्ट, ओके भाई साहब इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ऑफकोर्स रॉक टाइप है तो उसका फायर इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट क्रिटिकल हिट क्यों हो रहा है, मत हो भाई क्रिटिकल हिट प्लीज मत हो। बहुत बढ़िया, मैं ज़रा एथर यूज कर लूँ, तब एलेक्जर यूज कर लूँ भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बाकी नेक्सोमोन इसको नहीं संभाल पाएंगे सिर्फ ड्रैग रॉक के सिवाय। ओके बहुत बढ़िया, एक और हिट, अरे भाई साहब मर गया लौंडे। म्याओ कैट, वैसे म्याओ कैट तो एक हिट में मारी जाएगी क्योंकि ये विंड टाइप है ना, इसके ऊपर तो ज़्यादा डैमेज होगा, वैसे डबल स्लैश है जैसा मैंने कहा था ज़्यादा डैमेज होगा, बट डबल स्लैश आई थिंक तो इसको ख़त्म कर सकता है, नहीं मैं ही ख़त्म हो गया। डेविड तो मार ही नहीं सकता क्योंकि वो फुल ऑफ ग्रास टाइप है, अपना ये मार सकता है। इसके पास मैंने सारे के सारे फायर अटैक ही क्यों सिखाए हैं, मतलब कोई तो नॉर्मल अटैक सिखा देता। इंसिनरेट काम ख़त्म, लेट्स गो बॉय, भाई आखिर में सारा के सारा एक्सपीरियंस सुपर बॉय उठा ले गया, ये हमेशा चीटिंग करता है सुपर बॉय, मतलब यार लिटरली। ओके एक्सीलेंट यू डन वेल मैक्सवेल किंग, यू गॉड विद दिस ड्रैगन गुड। ओके तो बोलता है तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया, आखिर तुमने इस ड्रैगन को मतलब हरा ही दिया। कीप इट अप एंड यू माइट बी प्रमोटेड अगेन बिफोर यू नो इट। ओके तो बोलता है ऐसे करते रहो और तुम्हें बिना पता ही चले तुम्हें मतलब प्रमोशन मिल जाएगा। बाय द वे दिस अ गिल्ड रिवॉर्ड फॉर द जॉब वेल डन। ओके तो बोलता है ये गिल्ड रिवॉर्ड है जो तुमने ये काम किया काफ़ी बढ़िया, भाई साहब फ्री में रिवॉर्ड, ये ट्रैप मत दिया करो यार, पूरे पैसे दे देते तो क्या हो जाता। इफ़ यू एक्सक्यूज मी आई बीन टॉकिंग दिस मिस बिहेव ड्रैगन टू एमिली। ओके बोलता है कि कहीं चलो मैं चलता हूँ, मेरे को एमिली से भी बात करना है इस ड्रैगन के बारे में, टेक केयर ऑफ नाउ किड्स। ओके तो ठीक है, ये जा टेलीपोर्ट वाला पावर मुझे भी दे देते यार, मतलब यार आई डिड नॉट नो यू वेर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सवेल किंग। बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो मैक्सवेल किंग। ऑफकोर्स भाई ताकतवर हूँ, आखिर तेरे को पता लग गया मेरी ताकत का। नाउ दैट वी आर हेल्प हर आउट लीडिया ओन्स अस फेवर। ओके तो बोलता है कि आखिर हम लोग ने उसको हरा ही दिया और मतलब उसकी मदद की, तो अब लीडिया का हमारे ऊपर कर्ज है, मतलब हमारा उस लीडिया के ऊपर कर्ज है ऐसा कह सकते हैं। वी शुड आस्क हर लेट अस इन साइड द अबेंडेंट बिल्डिंग। ओके तो अब हम उसको कह सकते हैं कि हमें वो अबेंडेंट बिल्डिंग के अंदर जाने दे। आई गेस सो वी सी मस्ट बी समवेयर इन द विलेज। ओके बोलता है कि मुझे लगता है कि वो विलेज में कहीं हो सकती है। वी स्टिल डोंट नो वॉट वी मेड द ड्रैगन सो अपसेट। ओके तो बोलता है हाँ हमें अभी भी नहीं पता कि वो ड्रैगन्स को आखिर कौन सा चीज़ गुस्सा दिला रहा है। ऑफकोर्स भाई क्योंकि या ये ड्रैगन गुस्सा हो गया था तो आखिर ड्रैगन्स को गुस्सा दिला क्या रहा है, मेन प्रॉब्लम तो ये है। वैसे काफ़ी बड़ा गड्ढा बनाया हुआ है यार, तो यार लिटरली काफ़ी बुरा वो बंदे ने फाइट दिया है। तो यह आई होप एपिसोड तुम लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि भाई इतना खतरनाक फाइट देखने के बाद तुम लोग को एपिसोड ना पसंद आया तो क्या बोलूँ मैं तुम लोग को, मतलब क्या ही बोलूँ। तो एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक मार दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि बहुत इन फ्यूचर बहुत सारे स्टोरी मोड्स गेम्स आने वाले हैं और स्टोरी तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो या तो आज के एपिसोड में बस इतना, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा, और फिर मिलेंगे दोबारा।